तो एपिसोड 22 की शुरुआत में वो गोल्डन ईगल उसे मिले हुए ट्रेजर को इस्तेमाल करती है, जो एक तरह की पावरफुल मैग्नेट थी। तो एलेक्स उसे तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। साथ ही उसकी तलवार भी उस मैग्नेट पर चिपक जाती है। ये देखकर एलेक्स सोचता है कि उसे अपनी ब्लू ईगल टेक्निक और लायन बीस्ट की टेक्निक को जोड़ के उस ईगल पर अटैक करना चाहिए। इसलिए वो उस कम्बाइंड टेक्निक से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो गोल्डन ईगल थोड़ी देर के लिए उस अटैक में फंस जाती है। इसी बीच एलेक्स मौका पाकर उस ईगल पर चढ़ जाता है और उस पर मुक्के मारने लगता है, लेकिन उस ईगल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी एलेक्स को एक आइडिया आता है और वो उस गोल्डन ईगल की आंखों पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो गोल्डन ईगल उस मैग्नेट से टकरा जाती है। तभी एलेक्स उस तलवार को मैग्नेट से निकाल कर गोल्डन ईगल की तरफ छोड़ देता है, जो सीधा उस ईगल के अंदर घुस जाती है और वो वहीं मर जाती है। इसके बाद वो ट्रेजर एलेक्स की तलवार वापस करके वहां से चला जाता है। आगे आठ सर वाला लायन और बाकी सब उसे जान बचाने के लिए थैंक यू बोलते हैं। तभी वहाँ एक वोल्केनो ब्लास्ट होता है, जिस पर जिया कहती है कि ये बेदोन माउंटेन से बाहर जाने वाले गेट के खुलने का इशारा है, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि माउंटेन का एग्जिट गेट खुलते ही यहाँ के मॉन्स्टर सबको मारना शुरू कर देते हैं। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि मुझे एक जगह से कुछ सामान लाना है। ये सुनकर रेडबर्ड और बाकी सब उसे ना जाने को कहते हैं, लेकिन एलेक्स नहीं मानता। इसलिए जिया उसे बाहर निकलने का मैप देकर सभी बीस्ट को लेके एक कालीन की मदद से वहाँ से चली जाती है। आगे एलेक्स उस जगह पहुँच जाता है जहाँ उसे जाना था, जिस जगह उसे एक छोटा सा बोलने वाला पत्थर मिलता है। तो एलेक्स उससे पूछता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ किधर है, तो वो पत्थर उसे फाउंटेन ऑफ यूथ का रास्ता बताता है, लेकिन एलेक्स उस पत्थर को अपने पास रख लेता है ताकि वो किसी और जगह न पहुँच जाए, साथ ही वो पत्थर उसे रास्ता बताता रहे। अब एलेक्स फाउंटेन ऑफ यूथ वाली जगह यानी मेडिकल फील्ड पहुँच जाता है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे बीस थे। तभी एलेक्स को वहाँ वो गोल्डन बीस दिखता है। ये देखकर एलेक्स उससे पूछता है कि तुम और तुम्हारी मास्टर टाइगो माउंटेन से हो, तो तुम क्या मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो। जिस पे वो गोल्डन बीस गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम चुपचाप मेरे मालिक के लिए इस मेडिसिन फील्ड से मेडिसिन कलेक्ट करो। तभी उस स्टोन को फाउंटेन ऑफ यूथ दिखता है और वो एलेक्स को इस बारे में बताता है। ये जानकर एलेक्स उसकी जगह भागने लगता है, तो वो गोल्डन बीस भी अपना काम करवाने के लिए उसे रोकने उसके पीछे जाता है। ये देखकर एलेक्स उस बीस्ट को अपनी पावर्स की मदद से रोकने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उस जगह पर किसी की भी पावर काम नहीं करती थी। अब वो स्टोन एलेक्स को बताता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही लड़ सकते हो। ये जानकर एलेक्स उस बीस्ट को बार बार उसी स्टोन से मारता है, जिससे पिट पिट कर वो गोल्डन बीस्ट भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद एलेक्स वहाँ काम कर रहे बीस्ट को आजाद कराकर फाउंटेन ऑफ यूथ की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ वो गोल्डन बीस्ट की मालकिन और कुछ बीस्ट फाउंटेन यूथ के लिए आपस में लड़ रहे थे। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और उनके बीच से निकलकर आगे चला जाता है, जहाँ उसे बहुत सारी रेत दिखती है, जिसे देखकर एलेक्स को लगता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ का पानी सूख गया है। इसलिए वो उस रेत को इकट्ठा करने लगता है, जहाँ थोड़ी रेत खोदने के बाद उसे एक कीड़ा दिखता है। उसी वक्त वहाँ पर वो सारे बीस्ट और वो लड़की आ जाती है, जो उस कीड़े को देखकर पहचान जाती है कि वही फाउंटेन ऑफ यूथ है। ये जानकर एलेक्स उस कीड़े को अपने पास रख लेता है, तो वो बीस्ट और वो लड़की उसे कहते हैं कि जल्दी से इस कीड़े को हमें दे दो, जिसपे एलेक्स मना करने लगता है। तो वो एलेक्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर एलेक्स उन सबसे बचता हुआ उन पर उस पत्थर से अटैक करता है। ये देखकर वो सब उस पर एक साथ अटैक करते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 23 की शुरुआत में एलेक्स उन सभी से बचकर वहाँ से भागने लगता है, जहाँ उस मेडिसिन फील्ड से बाहर निकलने के बाद उसकी और बाकी सबकी पावर वापस आ जाती है, इसलिए वो लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। तो एलेक्स भी उनका सामना करने लगता है, लेकिन वो सबका सामना एक साथ नहीं कर सकता था, इसलिए एलेक्स एक फ्लाइंग पेपर की मदद से वहाँ से भाग जाता है और फिर से फोरबिडन एरिया में पहुँच जाता है, जहाँ वो पत्थर उसे बताता है कि तुम्हें उस फ्लाइंग पेपर के साथ और आगे तक चलना चाहिए था, क्योंकि तुम वो फ्लाइंग पेपर पर तीन बार ही इस्तेमाल कर सकते हो। जिस पर एलेक्स कहता है कि कोई नहीं, अभी दो बार ही उसे इस्तेमाल करना और बाकी है। उसी वक्त एलेक्स को अपने आसपास से कुछ आवाज आने लगती है, जिसे सुनकर वो पत्थर उसे बताता है कि ये प्योर ब्लड बीस्ट के लड़ने की आवाज है। तो एलेक्स उसे देखने चला जाता है, जहाँ वो डेविड को देखता है, जो आसानी से एक प्योर ब्लड डेमन बटरफ्लाई को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। ये देखकर एलेक्स गुस्से में फाउंटेन ऑफ यूथ की सैंड खाने लगता है, ताकि वो अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा सके, क्योंकि
उसे अपने ऊपर हुए हुए उस टॉर्चर की याद आती है, पर वो स्टोन उसे कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ डेविड उस बटरफ्लाई को अपने काबू में करके उस पर बैठकर वहां से चला जाता है। इधर एलेक्स को अपने पास से भूकंप जैसे झटके महसूस होते हैं, तो वो स्टोन उसे बताता है कि बेदोन माउंटेन के मॉन्स्टर हंट के लिए यहां आ रहे हैं। ये जानकर एलेक्स उस फ्लाइंग पेपर की मदद से वहां से भाग जाता है और एक केव में पहुंच जाता है, जहां पर वो मिस्टीरियस लड़की पहले से ही थी जो वहां पे एक डिवाइन कुकून को पाने आई थी। तो एलेक्स उसे चुपके से देखने लगता है। अब वो लड़की कुकून की भार लगी शील्ड तोड़ देती है, जिसकी वजह से कुकून नीचे आ जाता है। तभी वो पत्थर छींक मार देता है, जिसकी वजह से वो लड़की जान जाती है कि वहां कोई है। तो एलेक्स वहां से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की पहचान जाती है और उस पर अटैक करती है। तो एलेक्स उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है और मौका पाकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। तो वो लड़की अपनी इयररिंग की मदद से उस पर अटैक करती है। तो एलेक्स उस अटैक से बचकर उस इयररिंग को अपने मुंह से पकड़ लेता है। ये देखकर वो लड़की अपनी पावर की मदद से इधर उधर टकराने लगती है, जिससे वो एलेक्स से छूट जाती है। पर वो देखती है कि एलेक्स ने उसकी इयररिंग ले ली है। ये देखकर वो गुस्से में एलेक्स पर अटैक करती है, पर वो अटैक एलेक्स को ना लगकर वहाँ एक चट्टान पर लग जाता है, जिसकी वजह से एक बड़ा सा पत्थर उस कुकून पर गिरने लगता है। लेकिन एलेक्स वक्त रहते उस पत्थर को वहाँ से हटा देता है और उस कुकून को अपने पास रखकर फ्लाइंग पेपर की मदद से वहाँ से भाग जाता है। आगे एलेक्स एक गार्डन में पहुंचता है, जहां एक पेड़ की खुशबू से वो ख्यालों में खोने लगता है। तभी एक बोलने वाला जादुई पेड़ उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 24 की शुरुआत में एलेक्स थोड़ा बहुत नशे में होने की वजह से उस पेड़ से लड़ नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो पेड़ उसे पकड़ लेता है। लेकिन एलेक्स कैसे भी अपने आप पर काबू पाकर उस पेड़ से छूट जाता है और उसकी रूट्स खाने लगता है, जिसकी वजह से उस पेड़ की कुछ पावर उसके अंदर आ जाती है और वो उस पेड़ को हरा देता है। तभी एलेक्स को दो फ्रूट दिखते हैं, जिन्हें एलेक्स अपने पास रख लेता है। उसी वक्त एक जगह से कई सारे बीस्ट भाग कर आने लगते हैं, तो एलेक्स भी वहां से भागने लगता है। तभी उसे वहाँ जिया और बाकी सब दिखते हैं, जिनसे वो पूछता है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर रेड बर्ड और आर्ट सर वाले लायन बोलते हैं कि हमें भी इसके बारे में नहीं पता, हमें कई बीस्ट भागते हुए दिखे तो हम भी यहाँ पर भागते हुए आ गए। तभी उन्हें वहाँ पर मंकी किंग दिखता है, जो उन सब बीस्ट को वहाँ से भगा रहा था, क्योंकि वो बीस्ट उसके गार्डन से जादुई फ्रूट्स और फ्लावर्स चुरा रहे थे। आगे वो मंकी किंग उन सबको भगाते हुए एक जगह पहुँचाता है, जहाँ उसे वही बीस्ट, वो लड़की और डेविड दिखते हैं, जो मंकी किंग गार्डन के फ्रूट्स लेना चाहते थे। तो मंकी किंग उनको मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर हम एलेक्स और बाकी सबको देखते हैं, जो मंकी किंग के गार्डन के फ्रूट्स खाकर झूम रहे थे। तभी वो कुकून टूट जाता है और उसमें से एक बर्ड का बच्चा निकलता है, जो उनसे कहता है कि मैं हाईएस्ट लेवल का गॉड हूँ, जो बड़ा होकर एक फीनिक्स में बदल जाता है। पर उससे पहले ही एलेक्स ने मुझे कल्टीवेशन से रोक दिया, जिस पर एलेक्स कहता है कि मैंने तो तुम्हें बचाया है। इसके बाद रेड बर्ड और एलेक्स उस बच्चे का नाम रखने लगते हैं, पर तभी एलेक्स को ज्यादा फ्रूट्स खाने की वजह से उल्टी जैसा महसूस होता है। तो वो एक जगह जाके बैठ जाता है और मेडिटेट करने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। दूसरी तरफ मंकी किंग उन सबसे अकेले लड़ रहा था, तभी उसे भी वो एनर्जी दिखती है, इसलिए वो अपने साथियों को वहां जाकर चेक करने को बोलता है। इस तरफ एलेक्स अपनी मेडिटेशन के थ्रू ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 9 पर पहुंचने वाला था। तभी वहां वो मंकी किंग के साथी पहुंच जाते हैं और उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। उसी वक्त वहां जिया और उसके सैनिक आ जाते हैं और मंकी किंग के साथियों से लड़ने लगते हैं, पर मंकी किंग के साथी जिया को घेर लेते हैं। उसी वक्त एलेक्स ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल 9 पर पहुंच जाता है और एक ही अटैक में मंकी किंग के सभी साथियों को हरा देता है। तभी उनमें से एक साथी बचकर मंकी किंग के पास जाने लगता है, जिसे देखकर जिया उसे कहती है कि इसे रोको, वरना ये मंकी किंग को सब कुछ बता देगा। तो एलेक्स उसे रोकने के लिए उसके पीछे चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे एक फ्रूट का पेड़ दिखता है, तो एलेक्स उस पेड़ से फ्रूट तोड़ने के लिए रुक जाता है। इधर वो साथी मंकी किंग के पास पहुंचकर उसे सब कुछ बता देता है। ये जानकर मंकी किंग एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स उस अटैक से बच जाता है, जिसकी वजह से मंकी किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और स्पिरिचुअल लेक ग्रैंड फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एलेक्स और वहां खड़े सभी बीस्ट और लोगों के पैर एक ही जगह जम जाते हैं। इसके बाद मंकी किंग साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और अपने हथियार को भी बड़ा करके उसमें एक बड़ी सी चट्टान फंसा लेता है और अपने हथियार को एक हथौड़ा बनाकर उन सब पर अटैक करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।
इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।